नमस्कार, मैं प्रिया। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब तक इसने 578 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमण के 6,500 नए मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6,531 नए मामले सामने आए हैं और 7,141 रिकवरी हुई है। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या 75,841 पर पहुंच गई है। फिलहाल रिकवरी रेट 98.40% है। नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार बड़े राज्यों में सभी मानकों पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में केरल को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। चौथे स्वास्थ्य सूचकांक में 2019-20 संदर्भ वर्ष की अवधि को ध्यान में रखा गया है। सरकारी थिंक टैंक द्वारा बनाई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वास्थ्य के मानकों पर तमिलनाडु और तेलंगाना क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वार्षिक प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश ने सबसे ऊंचा स्थान हासिल किया है। सोमवार को चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के परिणाम काफी चौंकाने वाले रहे। सभी 35 वार्डों पर परिणाम घोषित हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस के किलों को भेद कर 14 वार्डों में जीत हासिल कर ली है। हालांकि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। भाजपा और कांग्रेस ने क्रमशः 12 और 8 वार्ड जीते हैं। एक सीट अकाली दल के खाते में आई है। भाजपा प्रत्याशी और सिटिंग मेयर रविकांत शर्मा को आप प्रत्याशी ने हरा दिया। देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों से केंद्र ने कहा है कि वो स्थानीय स्तर पर जरूरतों के हिसाब से पाबंदी लागू करें। हेल्थ सेक्रेटरी अजय भल्ला की तरफ से जारी किए गए एडवाइजरी में कहा गया है कि राज्य सरकारें जरूरत के हिसाब से नियम तय करें, स्थानीय स्तर पर जरूरी हो तो पाबंदियां लगाएं। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि फेस्टिव सीजन के दौरान लोगों के सामूहिक एकत्रीकरण में कमी होनी चाहिए। पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू का पुलिसकर्मियों पर शर्मनाक टिप्पणी, उनके गले की फांस बनता जा रहा है। सिद्धू ने सुल्तानपुर में एक रैली के दौरान कहा था कि थानेदार की पैंट गीली हो जाती है। सिद्धू के बयान ने प्रदेश में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। चंडीगढ़ के डीएसपी दिलेश्वर सिंह चंदेल के विरोध के बाद अब जालंधर में एक सब इंस्पेक्टर ने भी एतराज जताया है। पुलिस अधिकारियों ने सिद्धू के बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा कि अगर ऐसा ही है तो वो अपनी पुलिस सुरक्षा वापस क्यों नहीं ले लेते। ब्रिटिश इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी वन मोटो ने भारतीय बाजार में एक पावरफुल स्कूटर इलेक्ट्रा लॉन्च किया है। सबसे खास बात यह है कि स्कूटर में 150 किलोमीटर की रेंज और 100 किलोमीटर पर आर तक की स्पीड मिली है। इस स्कूटर का डिजाइन काफी आकर्षक है। इसे रेट्रो लुक देने के साथ ही फीचर लोडेड भी बनाया गया है। कंपनी ने नए स्कूटर को मैट ब्लैक, शाइनी ब्लैक, ब्लू, रेड और ग्रे समेत 5 कलर ऑप्शन में उतारा है। जीएसटी विजिलेंस टीम के निशाने पर आए इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज स्थित घर पर बरामद हुई रकम की अब गिनती शुरू हो गई है। अब तक जांच में अफसरों को 500 चाबियां मिली थी, लेकिन ताले 109 हैं। 257 करोड़ कैश, 125 किलो सोना और अरबों की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। डीजीजीआई के छापे में अभी तक करीब 1,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हो चुका है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन का पहला सेशन पूरी तरह से बारिश में धुल गया। बारिश और मैदान गीली होने के कारण पहले सेशन में एक गेंद भी नहीं फेंकी गई, जिसके कारण अब समय से पहले ही लंच की घोषणा कर दी गई है। सेंचुरियन में फिर से बारिश शुरू है और मैदान के एक बड़े हिस्से को वापस कवर से ढका गया था। धर्मांतरण को लेकर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि बाद में उन्होंने बिना शर्त अपना बयान वापस ले लिया। दरअसल कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने उडुपी में एक कार्यक्रम में की गई टिप्पणी को बिना शर्त वापस ले लिया, जिसमें उन्होंने उन सभी लोगों के पुनः धर्मांतरण का आग्रह किया जो हिंदू धर्म से बाहर हो गए हैं। 15 से 18 साल के बच्चे कोविन ऐप पर 1 जनवरी से कोरोना टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देश में 3 जनवरी यानी कि रजिस्ट्रेशन शुरू होने के 2 दिन बाद टीकाकरण अभियान का नया चरण की शुरुआत हो गई है और सोमवार को एक शीर्ष अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर RS शर्मा ने समाचार एजेंसी ANI को बताया है कि बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिए 10वीं क्लास की ID के विकल्प को भी जोड़ा गया है, क्योंकि सारे बच्चों के पास आधार कार्ड हो ये जरूरी नहीं है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की कोविन प्लेटफॉर्म को संचालित कर रही है। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान ने अपने जन्मदिन पर फैंस को सरप्राइज दिया है। उन्होंने कुछ दिनों पहले ही मुंबई में आयोजित एक इवेंट में बजरंगी भाईजान के सीक्वल की पुष्टि की थी। अब सलमान ने फिल्म के नाम का खुलासा किया है। बजरंगी भाईजान 2 का नाम पवन पुत्र भाईजान होगा। सीक्वल को बाहुबली फेम SS राजा मौली के पिता KV विजयेंद्र
प्रसाद लिखेंगे। उन्होंने ही मूल फिल्म भी लिखी थी। अपने 56वें जन्मदिन पर पेपराजी से बात करते हुए सलमान खान ने बताया कि वो केवी विजेंद्र प्रसाद ने सीक्वल का नाम पवन पुत्र भाईजान रखा है। काशी के बाद छोटी काशी में बाबा भूतनाथ महामृत्युंजय जी का आशीर्वाद लेने का मौका मिला। प्रदेश के सभी देवी देवताओं को नमन किया गया। मंडियाली में भाषण शुरू किया गया। हिमाचल से भावनात्मक रिश्ता रहा है। पीएम मोदी ने मंडी के सेपू बड़ी बधाना को भी याद किया। पीएम ने कहा कि मंच पर जब भी मंडी आता हूं तो मंडियाली धाम का ख्याल ही आ जाता है। पीएम ने यह भी कहा कि देश में दो मॉडल काम कर रहे हैं, एक सबका साथ, दूसरा खुद के परिवार का विकास। कांग्रेस शासित राज्यों में परिवार का विकास हो रहा है, पंडित वहां भी वैक्सीन का हाल जान ले। कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब देश के एक और राज्य में अपनी दस्तक देने की खबर सामने आई है। गोवा में ओमिक्रॉन का पहला मामला मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सोमवार को गोवा में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला है। राज्य के स्वास्थ्य विश्वजीत राणे ने इसकी पुष्टि की है। इसके अलावा सोमवार को राजस्थान में भी 3 नए मामले सामने आए हैं। नगर निगम चुनाव के परिणामों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। भाजपा और कांग्रेस को पछाड़ते हुए आपकी धमाकेदार एंट्री हुई है। भाजपा को बड़ा झटका लगा है। आपने कुल 35 सीटों में से 14 पर जीत हासिल की है और भाजपा ने 12 और कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत हासिल की है। अकाली दल को 1 सीट पर जीत मिली है। भाजपा के मेयर रविकांत खुद वार्ड नंबर 17 से चुनाव हार गए हैं। उन्हें आम आदमी पार्टी के दमनप्रीत सिंह ने 828 वोटों से हराया है। एमपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के बिना नहीं कराए जाएंगे। कैबिनेट द्वारा अध्यादेश वापस लेने के बाद अब 2019 की स्थिति लागू हो जाएगी, यानी जो मौजूदा चुनाव प्रक्रिया है वो विधि मान्य नहीं होगी। इसके मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव स्थगित करने पड़ेंगे। इसके लिए रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या यूबीआई भर्ती 2021 ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। इसके तहत यूबीआई द्वारा डिजिटल टीम, एनालिटिक्स टीम, इकोनॉमिक्स टीम, रिसर्च टीम, एपीआई मैनेजमेंट टीम और डिजिटल लैंडिंग एंड फिनटेक टीम के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट unionbankofindia.co.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पाकिस्तान के इमरान सरकार के बड़बोले मंत्री शेख राशिद इस बार प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए ही परेशानी का सबब बन गए हैं। दरअसल राशिद ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने इमरान खान की मुश्किलों को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार भ्रष्टाचार से निपटने में विफल रही है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश की लगभग सभी विपक्षी पार्टियां इमरान सरकार के खिलाफ एकजुट है और लगातार उन पर हमलावर हो रही है। उत्तर प्रदेश के 12 जनपदों को MP MLA की विशेष कोर्ट प्रयागराज में स्थापित है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद माननीयों पर दर्ज मुकदमे की और शीघ्र सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय अपराध वाले मुकदमे के निस्तारण के लिए प्रत्येक जिलों में कोर्ट गठित करने का काम शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत प्रयागराज में हो गई है। नई शिक्षा नीति में स्नातक प्रथम वर्ष के कोर्स में संशोधन हो गया है, लेकिन कॉलेजों के पुस्तकालयों में नए पाठ्यक्रम के हिसाब से किताबें नहीं हैं, जिससे छात्र छात्राएं बदले पाठ्यक्रम के तहत किताबें कॉलेजों के पुस्तकालय से नहीं ले पा रहे हैं। प्रथम वर्ष ही नहीं, द्वितीय और तृतीय वर्ष के BA BSc के छात्रों के लिए किताबों का संकट खड़ा हो गया है, जिससे छात्र छात्राएं पुरानी किताबें ही पढ़ने को मजबूर हैं। तमिलनाडु में मदुरई मीनाक्षी अम्मन मंदिर के मार्गजी अष्टमी कार महोत्सव में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। महोत्सव की शुरुआत साधुओं ने शंखनाथ और ढोल नगाड़ों के साथ की। महोत्सव में मां मीनाक्षी को पालकी में बिठाकर पूरे शहर में झांकी निकाली गई। इस झांकी में लाखों साधुओं, बुजुर्गों और बच्चों ने शामिल होकर मां मीनाक्षी का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए काफी संख्या में पुलिस भी शामिल थी। देश में ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार उछाल आ रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में ओमिक्रॉन के अब तक 578 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें दिल्ली में सबसे अधिक 142 मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान यहां पर 63 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है जहां पर 141 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों में हिमपात शुरू होने से एक बार फिर से ठंड बढ़ने लगी है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर दिल्ली NCR तक देखा जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर ही नहीं, रविवार को दिल्ली और आसपास के मैदानी इलाकों में भी बादल छाए रहे। वहीं शाम बारिश भी हो गई, जिससे मौसम एक बार फिर से ठंडा हो गया। उत्तराखंड में हिमपात का असर रहा कि एक ही दिन में पारा 3 से 4 डिग्री तक गिर गया।
भारतीय सेना ने शनिवार को कहा है कि नागालैंड के मोन जिले में हुई घटना की जांच तेजी से की जा रही है और राज्य सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी टीम की जांच में भी सेना सहयोग कर रही है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सेना द्वारा आदेशित जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। हमने लोगों को आगे आने और जाँच में हमारा सहयोग करने के लिए कहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरोगेसी अधिनियम 2021 को मंजूरी दे दी है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को मंजूरी के तत्काल बाद इसे सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया गया। विधेयक राज्यसभा में 8 दिसंबर को पारित हुआ, इसके बाद लोकसभा में इसे 17 दिसंबर को पारित किया गया है। ये कानून वाणिज्यिक पैमाने पर सरोगेसी पर रोक लगाता है और सिर्फ परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और कोविन प्लेटफॉर्म के कामकाज के प्रमुख डॉक्टर RS शर्मा ने कहा है कि कोरोना टीके की अतिरिक्त डोज लगवाने के लिए 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अपनी गंभीर बीमारी का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। डॉक्टर शर्मा ने बताया है कि टीके के अतिरिक्त डोज लगवाने के लिए इस प्रमाण पत्र के अलावा बाकी प्रक्रिया पहले की तरह है। MBBS पास कर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने मेडिकल स्पेशलिस्ट और जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग ने मेडिकल ऑफिसर के पदों पर बंपर भर्तियां निकाली हैं। कुल 1349 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तेलंगाना सरकार की रायतु बंधु स्कीम के तहत बीमित 4,76,727 किसानों के अलावा 16,419 किसानों को नलगोडा जिले में यालसंगी सीजन के लिए 28 दिसंबर से योजना का लाभ मिलने जा रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जिले में साल 2020 के खरीफ सीजन में 455.392 के मुकाबले रायतु बंधु द्वारा कवर किए गए किसानों की कुल संख्या यासांगी यानी कि रबी सीजन में 455,392 के मुकाबले रायतु बंधु द्वारा कवर किए गए किसानों की कुल संख्या यासांगी में 493,146 तक पहुंच जाएगी। रायतु बंधु का लाभ पाने वाले किसान कई कारणों से जिले में सीजन के हिसाब से फसल का सीजन बढ़ा रहे हैं। भाजपा उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करके उन्हें फिर से अपने साथ करने की लगातार कोशिश कर रही है। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने घर परिवार को यूपी के सभी ब्राह्मण मंत्रियों की बैठक बुलाई। उस बैठक में आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी कुछ ब्राह्मण नेताओं ने मुलाकात की और अपनी मांग रखी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नए साल से पहले ही 9 जिलों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। शिवराज सरकार ने फैसला किया है कि वो जैव विविधता को बचाने के लिए 9 जिलों में आयुष वन विकसित किए जाएंगे और औषधीय वनस्पतियों का भी बचाव किया जाएगा। साल 2023 में इन जिलों में वनस्पतियों की स्थानीय प्रजाति और जड़ी बूटियों को बड़े स्तर पर रोपा जाएगा। नायक फिल्म की तर्ज पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निर्देश का रायबरेली में सोमवार को अक्षरश पालन होता दिखा। यहां स्लोन विधानसभा के परश देवपुर में ठीक उसी तरह उसी जगह पर जिले भर के अधिकारी इकट्ठा हुए जहां के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने निर्देश दिया था। मकसद था आम लोगों की फरियाद सुनकर तुरंत निस्तारण करना। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मोहम्मद नियामत अली, अक्षर कुमार, सरोज कुमार, जितेंद्र ठाकुर, सुरभि कुमारी, आदित्य फैक्ट्स, सोनू झा, बिल्ज नॉलेज, कुंदन कुमार, अंकित कुमार, अनवर हुसैन, सरोज सर, राजीव कुमार, संतोष यादव, अली मंजर अंसारी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश के किस प्रधानमंत्री का काम आपको अब तक सबसे अच्छा लगा है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।